सर मेहर बच्चे मेहर पुत्र मेहर कहाँ है मेहर मेहर पुत्र किसे आसमान क्या हुआ क्यों परेशान क्यों रही हो नहीं होगी आ जाएगी मेहर ने करवाया आसमा को अरेस्ट आसमा को ठहराया किडनैपर। सो हेलो दोस्तों मैं हूं खुशी सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि फिलहाल उडारिया सीरियल में यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि अरमान और आसमा की एनिवर्सरी है यहां पर और सभी घर वाले जो हैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं इनकी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। यहां पर हम देखेंगे सभी घर वाले जो है वो पेस्ट कंट्रोल का बहाना बनाते हैं और अरमान और आसमा को घर से बाहर भेज देते हैं, कहते तुम लोग बाहर जाओ घर की सफाइयां करनी है। और यहां पर हम देखेंगे दोनों अभी फिलहाल के लिए मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। यहां पर सभी घर वाले जो है इनकी एनिवर्सरी की प्रिपरेशन में लग जाते हैं, सभी लोग डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, डेकोरेशन करवा रहे होते हैं, खाने पीने की तैयारियां हर तैयारियां होती रहती हैं। और आगे आने वाले एपिसोड में यहाँ पर हम देखेंगे कि दोनों अरमान और आसमान शादी के जोड़े में नजर आएंगे और दोनों दोबारा आसमान हमने मिलकर डिसाइड किया था ना कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा कि मैं तुम्हें अपनी माँ के रूप में एक्सेप्ट कर सके, पर इतनी बड़ी बात मैं उससे क्यों छुपाई? माँ की बात अभी थोड़ी देर पहले हुई है और उसके बाद सारी चीजें थी जल्दी जल्दी हो रही थी, कम बनाती मैं तुम्हें। बस अपनी एनिवर्सरी के दिन शादी करेंगे और यहाँ पर सभी घर वाले अपना डांस परफॉर्मेंस भी देते हुए नजर आएंगे। इसी बीच अरमान और आसमा की थोड़ी लव केमिस्ट्री भी देखने को मिलेगी। यहाँ आगे आने वाले एपिसोड में हमें एक एक्साइटिंग ट्रैक देखने को मिलने वाला है जहाँ पर हम देखेंगे भाई मेहर जो है आसमा को साइड में लेकर जाती है अपनी एनिवर्सरी के बीच में, उसे साइड लेकर जाएगी और कहेगी कि आपने मुझसे झूठ बोला, आपको मेरे बर्थ के बारे में कुछ भी नहीं पता और मैं हान्या के साथ पैदा नहीं हुई थी। और वो कहती है कि भाई एक साथ दो बच्चे कैसे हो सकते हैं और ये कहकर वो वहां पर चिल्लाने लगती है आसमा पर। और वहां पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो ये देखते हैं और उन्हें लगता है कि आसमा जो है वो किडनैपर है, वो जानबूझकर उस बच्ची को ले जाना चाहती है क्योंकि मेहर जो यहाँ पर चिल्ला रही होती है आसमा पर और कहती कि तुम मेरी माँ नहीं हो, माँ नहीं हो। और यहाँ पर सबको लगता है कि आसमा जो है वो मेहर को किडनैप कर रही है। इसी बीच सभी लोग वहां पर पुलिस को कॉल कर देते हैं और यहाँ पर आसमा को पुलिस जो है अरेस्ट कर लेती है। और आगे की कहानी में यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि अरमान को ये बात पता चलेगी और वहां पर वो पहुंचेगा तो ये प्रूव करेगा वो पुलिस को कि मेहर जो है उन्हीं दोनों की बेटी है। तो दोस्तों आगे आने वाले एपिसोड में देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि आखिर मेहर ने आसमा को क्यों अरेस्ट करवाया था। तो दोस्तों ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ।